हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। ये है फैज़ इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, मैं हूँ सुमित और ये गौतम है। तीनों इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं। आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ बिहार का नंबर वन पॉलिटेक्निक कॉलेज, ब्रज किशोर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक, जो कि गोपालगंज में है। और ये इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ। चलिए ये देखिए, यहाँ का दूर का सीन, बहुत दूर तक इसका फील्ड है। चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखा जाए। चल भाई चल। ये सफाई हो रहा है यहाँ पे, रेगुलर हमेशा सफाई होते रहता है समय पे। साफ सुथरा कॉलेज है पूरा और न्यू बना, और बिहार का नंबर वन कॉलेज है। किधर चलेगा, मैं कैमरा लिए हुआ हूँ इसलिए मैं नहीं दिख रहा हूँ अभी आपको। मैं भी इसी पहले साइड का दिखाता हूँ। ये एकेडमिक ब्लॉक है, देखिए एकेडमिक ब्लॉक, यहीं पे अंदर में हॉल है, ऊपर क्लास है, ये स्टूडेंट्स हैं। ये एकेडमिक ब्लॉक का आगे सामने फुल व्यू ऑफ एकेडमिक ब्लॉक। चलो चलते हैं वर्कशॉप की तरफ। सबसे पहले वर्कशॉप आप लोग को दिखाते हैं हम, इस कॉलेज में क्या क्या सुविधा है। अभी कितनी ठंडी है, सुबह का टाइम है, अभी आए हुए थे हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए, सोचे इस पे कुछ वीडियो शूट कर लें। देखिए वर्कशॉप, चलते हैं चलते हैं। ये फिलहाल वर्कशॉप ब्लॉक है इसलिए मैं आप लोग को इधर से ही फ़ोन कैमरा अंदर डाल के दिखा देता हूँ। पूरे जो भी मशीन्स हैं सब कुछ जितना हो सकता है मैं यहीं से, अंदर से यहीं से दिखा सकता, अंदर नहीं जा सकता इसके लिए सॉरी, जूम कर दिया हूँ, देख लीजिए। ये हम लोग बाहर आ गए हैं वर्कशॉप से। चलिए उसके वो पहला गेट था, इधर सेकंड गेट से हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा वहाँ से भी पीछे का जो सीन छूट गया था वो दिखा देते हैं। आइए चलिए, देखिए अब मैं आ गया, ये रोशन कुमार है, ये फुल व्यू है पूरे क्लास का। देखिए थोड़ा लेंस के मोड में देखिए, अच्छा है ना, नंबर वन कॉलेज है ये पूरे बिहार का और सबसे लेटेस्ट कॉलेज है। BKNS देखिए, कुछ स्टूडेंट्स हैं, अभी सुबह ठंडी का टाइम है, धूप लगा रहा है। आइए अंदर आपको ले चलते हैं, ये एकेडमिक ब्लॉक है, इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ग्राउंड पे हॉल है पूरा, देख रहे हैं साफ सफाई हो रहा है, एकदम पूरा साफ सुथरा रहता है। आइए एक बार एक ग्राउंड दिखा देते हैं आपको, चार गोल हॉल का देखिए। आप खुद देख अनुमान लगा सकते हैं कितना बेहतर कॉलेज है, कितना अच्छा है। ये क्या है, ये है प्रिंसिपल का चैम्बर। आइए इसके अंदर चलते, देखिए प्रिंसिपल, उनके अंदर का ऑफिस है प्रिंसिपल का। कुछ वीडियोज नहीं बना सके, उसके फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऑफिस है, आइए अंदर आके मैं दिखाता हूँ थोड़ा जल्दी में, कोई सर ना आ जाए। देखिए रहा बायोमेट्रिक सिस्टम, चलिए आइए आगे चलते हैं। ये स्टूडेंट सब है, ये एग्जामिनेशन का है, परीक्षा शाखा। अंदर सर लोग हैं, भागो बाहर आ गए। भंडार कक्ष, चलिए और आगे चलते हैं। चलिए ऊपर आपको पहले दिखाते हैं, ऊपर चलते हैं। ये सीढ़ी है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। ये फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, क्या है क्या है? ये लैब था, क्लासरूम वन, क्लासरूम टू, पावर का पूरा बोर्ड है, मेन सर्किट बोर्ड और क्लास। और सबसे अच्छा व्यू देखिए यहाँ से, कितना अच्छा व्यू आता है पूरे बाहर का। ये देखिए सामने वर्कशॉप है, वो
वर्कशॉप से भी यहाँ इस यहाँ का आपको सीन दिखाया था, और यहाँ देखिए वर्कशॉप को, और सामने वर्कशॉप है। दिखाओ दिखाओ अच्छे से दिखाओ फैज, देखिए वो पूरा वर्कशॉप है, नीचे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। कर्मशाला देखिए, ये लाइट हम लोग का कितना अच्छा व्यवस्था, प्रो लाइट अंदर कहे कह नहीं सकते, इतना अच्छा है पूरा कॉलेज है। चलो फैज, ये सब स्टूडेंट सब है, देखिए थर्मल इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब, ओ टॉयलेट था वो। चलो और ऊपर चलते हैं, सेकंड फ्लोर चलते हैं, ये मेरा ही फैर है, थर्ड सेकंड फ्लोर है, देख लीजिए शॉर्टकट पर हम थर्ड फ्लोर चलते हैं, सब सेम है। ये थर्ड फ्लोर है, ये भी सेम है, और ऊपर चलते हैं, देखती हूँ ऊपर क्या है। आइए अब हम लोग आ गए छत पे, आपको छत से पूरा व्यू दिखाते हैं, कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। हाँ दिखाओ दिखाओ, ये देखिए क्या कॉलेज है, जबकि अभी कंस्ट्रक्शन में ही, अभी कंप्लीट अच्छी तरह से नहीं हुआ, जब कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा पार्किंग लॉट हो जाएगा। उधर हॉस्टल्स हैं, इस कॉलेज में दो बॉयज़ हॉस्टल्स और वन गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, सॉरी मिस्टेक, थोड़ा दो बॉयज़ हॉस्टल और वन गर्ल्स हॉस्टल है, और एक टीचर्स के लिए और प्रिंसिपल के लिए अलग है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा अच्छे से। नीचे देखिए स्टेज था, ये देखिए देखिए स्टेज है, यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आए हुए थे। ये लिफ्ट के लिए है, फिलहाल लिफ्ट अभी लगा नहीं है, लेकिन लिफ्ट के लिए है। तो अंदर का बैठने से बैठाते हैं, देखिए अंदर का गड्ढा गहराई, हमें नहीं लगता कि इससे अच्छा कॉलेज कोई होगा पूरे बिहार में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, प्राइवेट की बात नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट में, प्राइवेट में भी हमको नहीं लगता कोई ऐसा इतना अच्छा होगा। ये देखिए सबसे ऊपर से भी हो, कितना अच्छा लग रहा है, और कितना बड़ा फील्ड है। ये दूसरे रास्ता से हम लोग नीचे उतर रहे हैं, कि वही रास्ता है, नहीं ये दूसरे शायद वही है, पता नहीं कन्फ्यूजन हो गया। देखिए यहाँ से सीन इतना मस्त है, पूछिए मत, किस तरह पूरा एक कर्व साइड में था वहाँ का। ये बाहर अब हम लोग आ गए हैं गार्डन का, देखिए गार्डन है, क्या मस्त पेड़ पौधे हैं, क्या फैज कहाँ चले गए। ये देखिए वो गेट था, मेन दो गेट है इस कॉलेज का, मेन मतलब मेन गेट दो है, मेन दो गेट नहीं मतलब दो मेन गेट दो है, दो मेन गेट है, ये देखिए ये सूखे सूखे वृक्ष लग रहे हैं ना आपको, पर हरियाली आ जाएगी, टेंशन नहीं ले रही को। देखिए गार्डन का रिसोर्ट, और आप लोगों के लिए चलते हैं, किधर ले चले, चलिए गर्ल्स हॉस्टल चले क्या, हाँ ये चलिए चलिए फैज चलिए, आपको तो पता है, आपको पता है आप खाली गर्ल्स हॉस्टल जाना चाहेंगे, चलिए भैया पहले गर्ल्स हॉस्टल ही चलिए। फिलहाल एक भी गर्ल्स मिलेगी नहीं, क्योंकि अभी बन ही रहा है, कंस्ट्रक्शन में है, देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा होगा ये कंस्ट्रक्शन में है। हाँ दौड़ के चलो, ये एक नॉर्मल रूम का दिखा देते हैं, क्या इसकी साइज का रूम है क्या है, और बाकी अंदाज आप भी गैस कर लीजिए कि सब वैसा ही होगा, देख लीजिएगा रूम का साइज नॉर्मली। ये देख लीजिए गर्ल्स बाथरूम है, यानी प्राइवेट पर्सनली के लिए, और बाहर से भी है एक्सटर्नली, लगभग सब ऐसा ही होगा। चलो चलो चलो, ये देखिए इधर नॉर्मल, हम घर पहुँच गए, ऐसा बाहर निकल गए, हाँ अब घर लेट हो रहा था, जल्दी चलते हैं, चलो
जल्दी 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 कमोड कम ऑन, ये मैं हूँ। और देखिए कॉल प्रिंसिपल के लिए है, इस पे सर यहाँ कार पार्किंग के लिए है, और मैं कार पार्क कर दिया, ये देखिए। आइए चलते हैं बंदर। ये क्या, ओहो अभी कंस्ट्रक्शन में ही है। चलो चलो, अच्छा जैसा देख रही हैं गर्ल्स हॉस्टल वैसा ही वो दोनों बॉयज़ हॉस्टल सेम है। छोड़िए अभी हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए सॉरी, उतना हम आपको क्लियर से अब नहीं दिखा सकते हैं। कुछ फोटोज़ आप देख लीजिए, ये आयुष्मान जी हैं हमारे इलेक्ट्रिकल के, ये भी हैं, ये मैं हूँ, ये कुछ फोटोज़ जो है देख लीजिए ऊपर अभी उससे कितना अच्छा लग रहा है। देखिए आयुष्मान, फैज, सुमित, देखिए मैं हूँ, वो रोशन है।